सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वो केवल और केवल हनुमंत लाल हैं, जो विद्यावान भी हैं, गुणी भी हैं, चतुर भी हैं। चतुर कैसे आप कहें, चतुर कैसे? तो भैया, जब दूत बनकर गए हनुमान जी सीता जी का पता करने, तो राम जी ने तो बस इतना कहा था कि आप सीता जी का पता कर लेना। अब ये तो हनुमान जी की चतुराई है। हनुमान जी ने सारी व्यू रचना पता कर ली कि ये रावण की सेना में कैसी कैसी व्यू रचना है। अब आपको कोई काम बोले ये करना वो करो तो बढ़िया है। किसी ने कहा अरे 2 किलो चीनी ले आना, आप ले आए तो बढ़िया है, पर दिमाग में आया अरे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती भी चाहिए होती है। ये है चातुर्यता। परंतु लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं, लोग इसको मूर्ख बनाने में प्रयोग कर लेते हैं, दुनिया को ठगने में प्रयोग करते हैं। पर इसी चातुर्यता का प्रयोग श्री हनुमंत लाल जी श्री राम जी का कार्य करने में करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आगे गोस्वामी जी चालीसा के अंत में कहते हैं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय पसौ सुर भूप। ऐसे हनुमान जी हैं जिनका स्मरण करने से सारे संकट टल जाते हैं, सब कुछ मंगल हो जाता है। और ऐसे हनुमान जी जो सदा सियाराम जी को अपने हृदय में विराजमान करते रहते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। बोलिए श्री हनुमंत लाल भगवान की जय।